सो गीजर कैसे हो आप सब। यहाँ पे आप देख सकते हो हम अपने बिल्डर बेस में, और गीजर यहाँ पे आप देखोगे हमारा बिल्डर हॉल 9 है। और यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे गाइस बिल्डर हॉल 10 से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे गाइस यहाँ पे बिल्डर हॉल 10 के साथ आपको बहुत से यहाँ पे ट्रूप, कौन से ट्रूप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या आपको ट्रूप देखने को मिलेगा, या फिर गाइस यहाँ पे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रिलेटेड आ रही हैं। जैसे यहाँ पे बिल्डर हॉल्स में वॉर भी कराया जाए, मतलब यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिल्डर हॉल में वॉर्स का भी ऑप्शन लाना चाहिए। तो यार इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, पूरी चीज़ हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, थोड़ा भी मिस मत करना। सो यार सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है गाइस यहाँ पर बिल्डर हॉल 10 से रिलेटेड जो है गाइस यहाँ पे वॉर्स में। तो यार बहुत से लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डर हॉल में भी यहाँ पे वॉर कराई जाए। जैसे आप सभी जानते हो यहाँ पे गाइस होम विलेज में होता है वॉर, सो यहाँ पर गाइस रिक्वेस्ट हो रहा है कि यार यहाँ पर बिल्डर हॉल में भी ऐसा कुछ यहाँ पर ऑप्शंस लाए जाए जिससे हम वॉर्स खेल सकते हैं। और इसमें गाइस यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो उसमें गाइस हमें लूट भी मिल सकती है और काफ़ी ज़्यादा आपका जो बेस है वो जल्दी मैक्स आउट हो सकता है, क्योंकि यार यहाँ पे वॉर अटैक करोगे तो वहाँ पे आपको लूट जो है वो तो मिलती है। काफ़ी ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वॉर्स कराई जाए। सो यार ये उसके बाद अगर हम बात करते हैं अटैक लिमिट्स में, तो यार आप सभी जानते हो कि यहाँ पे आपको डेली जो है वो 3 अटैक्स में आपको लूट मिलता है। सो ये गाइस यहाँ पे आपको इंक्रीज़ भी होते हुए दिख सकता है, क्योंकि यार यहाँ पे ये सफिशियंट नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पे 3 अटैक्स में आपको लूट मिलता है और उसके बाद गाइस यहाँ पे लूट का सोर्स कोई भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बस यहाँ पे कलेक्टर से जिससे आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो वो भी गाइस उतने यहाँ पे आपको लूट जो है वो नहीं मिल पाती है। और इसमें गाइस यहाँ पे चीज़ जो होती है वो होती है गाइस यहाँ पे आपको 2 बिल्डर्स यहाँ पे मिलते हैं, मेनली ऑटो हट अनलॉक कर लोगे मेन बिल्डर रहता है तो 2 बिल्डर्स आपके अनलॉक रहते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो गाइस यहाँ पे लूट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार यहाँ पे आप देखोगे तो लीग में, तो गाइस अगर हम बात करो तो जिस लीग में हूँ सो यहाँ पे आपको 1,05,000 यहाँ पे मुझे लूट मिल रही है अगर मैं यहाँ पे विन कर जाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लूट की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करें तो 3 अटैक्स में आपको लूट मिलते हैं, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट डे में मिलेगा, यानी कि 1 डे का यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। सो इसको गाइस यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है, सुपर सेल में बोला भी है कि इसको मैं यहाँ पे फ्यूचर में इंक्रीज कर सकते हैं, मे बी आपको 5 अटैक्स में यहाँ पे लूट मिलेगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी अगर यहाँ पे आपको जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 3 विंस में आपको लूट मिलती है अगर आप यहाँ पे बिल्डर हॉल में चेकआउट कर सकते हो। सो उसके बाद गाइस अगर बात करते हैं आप बिल्डर हॉल 10 में यहाँ पे कुछ हीरो से रिलेटेड आ सकता है कि नहीं, मैंने गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ही हीरो है अभी तक, तो मे बी गाइस यहाँ पे फ्यूचर में आपको हीरो अपडेट देखने को मिल सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि यार यहाँ पे आपको हीरो देखने को मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्डर हॉल 9 आ चुका है और यहाँ पे गाइस एक तो हीरो मिलना ही चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पे आप देखोगे और मैं यहाँ पे होम विलेज की बात करूँ टाउन हॉल 9 के पास यहाँ पे 2 हीरोज मिलते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर बिल्डर हॉल 9 आ चुका है और अभी तक यहाँ पे एक ही हीरो का यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब एक ही हीरो अभी तक आया है। सो इसलिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो मे बी गाइस इन फ्यूचर आपको यहाँ पे एक और हीरो देखने को मिल सकता है। सो उसके बाद गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे आपको न्यू ट्रूप्स के बारे में, न्यू ट्रूप्स आपको कौन से देखने को मिल सकते हैं। मेनली गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो भी यहाँ पे ट्रूप्स अनलॉक है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जो भी यहाँ पे ट्रूप्स अनलॉक हैं वो रिलेटेड है यहाँ पे होम विलेज से। जैसे आप देखोगे जो सबसे पहला जो है वो यहाँ पे रीस्ड बबरियन है, और इसको गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो होम विलेज पे यहाँ पे बबरियंस के नाम से है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे सुपर आर्चर बोला, यहाँ पे स्नीकी आर्चर है जो गाइस यहाँ पे होम विलेज में यहाँ पे देख सकते हो आर्चर के नाम से है। सो यार जो भी यहाँ पे ट्रूप आपको देखने को मिल सकता है वो रिलेटेड हो सकता है गाइस यहाँ पे होम विलेज से। जैसे गाइस अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे ट्रूप्स हैं जो नहीं आए, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सो विजार्ड ये भी नहीं आया, और उसके बाद नहीं विजार्ड चेक कर लेते हैं 1 सेकेंड, नहीं अभी तक शायद नहीं आया। सो गाइस यहाँ पे विजार्ड नहीं आया, ऐसे मतलब जो ट्रूप्स यहाँ पे नहीं आए तो वो आ सकते हैं और वो भी गाइस होम विलेज से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारे ट्रूप सेम ही हैं। सुपर सेल ने ये भी बोला है कुछ यहाँ पे डिफरेंस उनकी चीज़ें हो सकती है, जैसे यहाँ पे आपने हॉक को यूज़ किया होगा ये बिल्डर बेस के,
जो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ हॉग ग्लाइडर, तो इसको आप देख सकते हो यार एयर आर्मी में आ जाता है ये। सो वैसे गाइस कुछ चेंजेस हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे एयर से ग्राउंड में आ सकता है, ग्राउंड से एयर में आ सकता है, यहाँ पे आप देखोगे सुपर पीका है। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, जैसे यहाँ पे होम विलेज से भी रिलेटेड आ सकती हैं, और थोड़ा बहुत गाइस यहाँ पे आपको बेसिस से भी रिलेटेड आ सकती हैं, जैसे कैनन कार्ट यहाँ पे आया है डबल कैनन से। वैसे गाइस आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिल सकता है न्यू ट्रूप की अगर हम बात करें तो। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं बिल्डर हॉल के, यहाँ पे आपको न्यू स्पेल्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यू क्या यार, अभी तक यहाँ पे बिल्डर हॉल में आप देखोगे कोई भी स्पेल देखने को नहीं मिला है, क्या आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है फिर नहीं। सो यार अभी तक यहाँ पे सुपर सेल ने ये नहीं बोला है कि यार, ये कन्फर्म तो किया ही नहीं है कि यहाँ पे आपको स्पेल्स देखने को मिलेगा या फिर नहीं। सो अभी तक तो यहाँ पे कोई भी न्यूज़ इससे रिलेटेड नहीं है कि आपको जो है बिल्डर हॉल में आपको यहाँ पे स्पेल देखने को मिल सकता है। सो उसके बाद गाइस हम बात करते हैं बिल्डर हॉल 10 के यहाँ पे डेट से रिलेटेड कि कब आपको देखने को मिल सकता है, और यार कब आपको ये अपडेट देखने को मिल सकता है, और बिल्डर हॉल 10 में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिफेंस के रूप में देखने को मिल सकती हैं। जैसे गाइस यहाँ पे आप देखोगे बिल्डर हॉल 10 में यहाँ पे आपको एक लावा लॉन्चर मिला था, 9 में मिला था सॉरी, और लावा लॉन्चर मिला था, और उससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी डाउन में आओगे तो यहाँ पे बहुत से आपको मिला था एक मेगा टेस्ला, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मिला था क्रशर। तो ऐसे गाइस बहुत सी ऐसे कुछ डिफेंसेस है जो आ सकती हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें बिल्डर हॉल 10 से यहाँ पे डेट से रिलेटेड, क्लैश ऑफ क्लैन ने ये बोला है कि यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा बिल्डर हॉल में वो आएगा दिसंबर 2021 के बाद से। यानी गाइस अब भी यहाँ पे बिल्डर हॉल 10 में यहाँ पे कोई भी मतलब बिल्डर हॉल 10 से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आने वाला, क्योंकि इसके रीज़न है गाइस यहाँ सो टाउन हॉल 14 जो है वो गाइज यहाँ पे गेम में आने वाला है। सो यहाँ पे गाइज ज़्यादा अभी फोकस किया जा रहा है टाउन हॉल 14 पे, क्या अपडेट आपको देखने को मिल सकता है, मतलब टाउन हॉल 14 भी आने वाला है, और यहाँ पे गाइज बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ रही है, तो यहाँ पे टाउन हॉल 14 आएगा मे बी इसके पहले और नहीं तो उसके बाद आएगा। टाउन हॉल 14 से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे डिटेल चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। सो अभी गाइस हम बात करते हैं बिल्डर हॉल 10 के डेट के बारे में। सो बिल्डर हॉल 10 यहाँ पे दिसंबर 2021 के बात आएगा, मैंने आपको जैसे बताया, क्योंकि यार अभी यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और स्पेशल ने बताया भी है कि हमने यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी न्यू चीज़ें यहाँ पे लानी चाहिए, और उन्होंने बोला है कि यार हमारी टीम जो है वो इसके बारे में डिस्कस करेगी, और मे बी इन फ्यूचर गाइस बहुत से ऐसे आपको अमेजिंग से अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आप चाहते हो बिल्डर हॉल 10 जल्द से जल्द आए तो वो आप कमेंट में बता सकते हो, और ये भी आप कमेंट में बता सकते हो क्या क्या चेंजेस आपको चाहिए जो बिल्डर हॉल 10 में आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे ट्रूप्स बता सकते हो, और बिल्डर हॉल 10 के साथ कौन से यहाँ पे आपको डिफेंस देखने को मिल सकता है, वो सब आप यहाँ पे कमेंट में कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ऐसे वीडियो मैं रोज़ बनाता रहता हूँ। सो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कौन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।